नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 25 दिसंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार सरकार विलुप्त पक्षियों की करेगी गणना। बिहार के 16 शहरों में बनाए जाएंगे एसटीपी व ड्रेनेज सिस्टम। बीएसएससी पेपर लीक मामले में ईओयू ने मोतिहारी से एक को दबोचा। अगले एक साल तक मिलता रहेगा मुफ्त राशन, नए साल पर केंद्र सरकार का तोहफा। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट में क्लीन स्वीप करने से 100 रन दूर भारत। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एनटीपीसी ने 218 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने विभिन्न ट्रेड में ट्रेड अप्रेंटिस के कुल मिलाकर 218 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट को संबंधित ट्रेड में ITI पास होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस के बारे में समस्त जरूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2022 है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.ntpc.co.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। आज है क्रिसमस डे। बीते दिन मुख्यमंत्री ने क्रिसमस की दी अग्रिम बधाई। हर साल 25 दिसंबर यानी कि आज के दिन क्रिसमस डे मनाया जाता है। इस दिन को खास बनाने के लिए लोग अपने अपने हिसाब से तैयारियां भी करते हैं। क्रिसमस के साथ कुछ मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। क्रिसमस के दिन सांता क्लॉज का बच्चे बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। दरअसल सांता क्लॉज बच्चों के लिए क्रिसमस के दिन कई सारे गिफ्ट लेकर आता है। वहीं बीते दिन क्रिसमस के अवसर पर राजधानी पटना में एक अनेक मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास में ईसाई समुदाय के लोगों ने मुख्यमंत्री को क्रिसमस की अग्रिम बधाई दी और साथ ही उनके लिए कामना भी की, जिसके बाद मुख्यमंत्री के द्वारा आगंतुकों को अंग वस्त्र भी भेंट किया गया। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे गंगानाथ झा की। गंगानाथ झा का जन्म मिथिला बिहार के एक गांव में आज ही के दिन 1871 ईस्वी में हुआ था। ये संस्कृत भाषा के प्रकांड पंडित थे। इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और मैथिली भाषा में दार्शनिक विषयों पर उच्च कोटि के मौलिक ग्रंथों की रचना की है। इनके अनेक स्मारकों में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का गंगानाथ झा रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रमुख है, जिसकी स्थापना 17 नवम्बर 1943 को की गई थी। 18 वर्ष की उम्र में ही संस्कृत में एक पद्यात्मक ग्रंथ लिखकर आपने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शित कर दिया था। इनका सबसे बड़ा योगदान संस्कृत के महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रंथों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कार्य रहा है। बिहार सरकार विलुप्त पक्षियों की करेगी गणना। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के वैज्ञानिकों की सहायता से राज्य में विलुप्त होने वाले पक्षियों और जैव विविधता के संरक्षण के लिए पक्षियों की गणना की जाएगी। इस गणना में विदेशी पक्षियों को भी शामिल किया जाएगा। बता दें कि यह गणना फरवरी 2023 में की जाएगी, जिसका रिजल्ट मई 2023 में जारी किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार इस बार पिछली बार की तुलना में करीब 100 वेटलैंड्स को शामिल किया गया है। इस गणना की रूपरेखा तय की जाए इसके लिए बिहार की राजधानी पटना में 24 दिसंबर को बैठक आयोजित की गई थी, जिसके बाद कार्य योजना तैयार कर गणना करने वालों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में पक्षी गणना की शुरुआत 2022 से की गई थी। बीएसएससी पेपर लीक मामले में ईओयू ने मोतिहारी से एक को दबोचा। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पेपर लीक मामले में कार्यवाही शुरू हो चुकी है। इस पर आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू के द्वारा मोतिहारी के शांति निकेतन जुबली स्कूल के एक शिक्षक की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार हुए शिक्षक का नाम सचिंद्रनाथ ज्योति बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार जांच पड़ताल के दौरान इस शिक्षक से जुड़ी कुछ सुराग ईओयू के हाथों लगी थी, जिसके बाद आर्थिक अपराध इकाई टीम के द्वारा शिक्षक के श्रीकृष्णनगर स्थित आवास पर छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार के 16 शहरों में बनाए जाएंगे एसटीपी व ड्रेनेज सिस्टम। जल जमाव व गंदे पानी की निकासी को लेकर राज्य के 16 शहरों में करीब 1,136 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट व ड्रेनेज का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए योजना तैयार कर राज्य व केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजा गया है। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया व एजेंसी का चयन का कार्य स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की मंजूरी मिलते ही विधिवत रूप से शुरू कर दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस प्लांट के जरिए शौचालय टैंक की गाद से जैविक खाद का निर्माण किया जाएगा। बता दें कि राज्य के जिन शहरों में व ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण किया जाएगा उसमें अरवल, दाऊदनगर, दरभंगा, किशनगंज, रक्सौल, सहरसा, मधेपुरा, मोतिहारी, जमुई, लखीसराय, बगहा, गोपालगंज, समस्तीपुर, आरा, बेतिया, कटिहार, जमालपुर और जोगबनी शामिल है।
स्कूलों को 31 दिसंबर तक जमा करना होगा मैट्रिक परीक्षा 2023 का बकाया शुल्क। बिहार बोर्ड के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी व प्राचार्य को जानकारी देते हुए कहा गया है कि अगर मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2023 का परीक्षा फॉर्म शुल्क या रजिस्ट्रेशन शुल्क बकाया है तो उसे 31 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से जमा करते। इसके लिए बोर्ड की ओर से वेबसाइट पर एक सूची भी जारी की गई है जिसमें उन सभी स्कूलों के नाम शामिल हैं जिनका शुल्क बकाया है। वहीं वैसे स्कूल जो 31 दिसंबर तक भी अपने सभी बकाया शुल्क जमा नहीं करते हैं उन स्कूलों के छात्र का एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा और इसका जिम्मेदार स्कूल के प्राचार्य को माना जाएगा। आईपीएल के चयन के बाद मुकेश के गांव में खुशी की लहर। बिहार के गोपालगंज जिले के काकरकुंड के रहने वाले मुकेश कुमार को आईपीएल के 16वें सीजन की नीलामी में दिल्ली कैपिटल्स के द्वारा कुल 5.50 करोड़ रुपए में खरीदा गया जिसके बाद मुकेश के गांव और परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई है। उनके घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। वहीं इनके परिवार एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई देते नजर आ रहे हैं। यह पहली बार है जब गोपालगंज से किसी खिलाड़ी को आईपीएल में खेलने के लिए बिका गया है। बता दें कि मुकेश कुमार के लिए दिल्ली और पंजाब के बीच लंबी बिल्डिंग वॉर हुई थी लेकिन अंत में दिल्ली ने मुकेश कुमार को अपने साथ जोड़ने में सफलता पाई। बता दें कि मुकेश कुमार का बेस प्राइस 20 लाख रुपए रखा गया था। बिहार में प्रचंड ठंड का दौर शुरू। मौसम विभाग के मुताबिक इन दिनों पहाड़ी इलाकों पर बर्फीली हवा चलने के साथ बर्फबारी भी हो रही है। उसका असर मैदानी इलाके वाले राज्यों पर देखा जा रहा है। विभाग की माने तो अब आने वाले दिनों में सुबह में रात के तापमान में ज्यादा गिरावट दर्ज की जाएगी। सुबह और शाम ठिठुरन भरी होगी। लोगों को कनकनी का एहसास होगा, कपकपी का आलम होगा। सर्द हवा चलने से सीलन भी बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार आने वाले 3 से 4 दिनों में तापमान 3 से 4 डिग्री पर पहुंच सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि राज्य के 7 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के तहत बनाए गए 28 नोडल पदाधिकारी। नगर निकाय चुनाव का पहला चरण समाप्त हो चुका है। वहीं इसके दूसरे चरण में मतदान की प्रक्रिया 28 दिसंबर को होनी है और 30 दिसंबर को मतगणना होगी। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां कर ली गई है। इन्हीं तैयारियों के तहत निगम के 75 वार्डों में बनाए गए मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मियों को भेजने के लिए 28 नोडल पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है जो मतदान केंद्र पर भेजे जाने वाले कर्मियों के लिए हेल्प डेस्क की व्यवस्था करेगी। जानकारी के लिए बता दी कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदान दल के सदस्यों के बीच आपसी तालमेल बना रहे इसके लिए मतदान केंद्र पर पोलिंग पार्टी के 6 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। मत्स्य विभाग की 9 योजनाओं में इस तारीख से पहले करें आवेदन। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की ओर से केंद्र से लेकर राज्य स्तर तक एक साथ 9 योजनाओं में आवेदन करने के लिए पोर्टल खोल दिया गया है जिसमें 2020 से 21 व 2022 से 23 में स्वीकृत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना व वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में राज्य योजना व 7 निश्चय योजना लागू है। इच्छुक आवेदक जो आवेदन करना चाहते हैं वे विभाग की वेबसाइट http://fisheries.bihar.government.in पर लॉगिन कर आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2023 तक विभाग की ओर से निर्धारित की गई है। G20 की बैठक में शामिल होने आए मेहमानों के लिए परोसे जाएंगे बिहारी व्यंजन। 6 और 7 मार्च 2023 को बिहार में होने वाली G20 समूहों की बैठक को लेकर ऐसी संभावना है कि इस बैठक में G20 समूह देशों के करीब 250 प्रतिनिधि बिहार आ सकते हैं। इसे लेकर सरकार के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है। बिहार में आने वाले प्रतिनिधियों को पटना स्थित बिहार म्यूजियम के अलावा बोधगया, नालंदा और राजगीर के पुरातात्विक स्थलों की सैर कराई जाएगी और साथ ही उन्हें बिहार के प्रमुख बिहारी व्यंजन भी परोसे जाएंगे ताकि उन्हें बिहार से जुड़ी जानकारी मिल सके और वे बिहार के समृद्ध विरासत के बारे में समझ सके। इस प्रोग्राम के सफल आयोजन को लेकर कला संस्कृति विभाग को नोडल विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। बिहार में चिमनी ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत पर पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान। बिहार के मोतिहारी में एक ईंट भट्टा में हुए विस्फोट से होने वाले 9 लोगों की मौत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शोक व्यक्त करते हुए मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए मुआवजे के रूप में देने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही वैसे लोग जो घायल हुए हैं उन्हें 50,000 रुपए मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। दरअसल शुक्रवार को मोतिहारी के रामगढ़वा थाना क्षेत्र के चंपारण नरीर गिर चौक के समीप ईंट भट्टा में आग लग गई थी जिसके बाद चिमनी ब्लास्ट हो गया और टूट कर नीचे गिर गई जिसमें दबने से 9 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 15 लोग घायल हो गए। फिलहाल घायलों को रक्सौल के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। वहीं इस हादसे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा भी शोक व्यक्त करते हुए 4-4 लाख मुआवजा देने की बात कही गई है।
अब लोगों को 1 से 1000 रुपए तक का नॉन जुडिशियल स्टाम्प मिलेगी प्रिंट होकर। 1 से 1000 रुपए तक के स्टाम्प का सबसे ज्यादा बिक्री होने से सरकार के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है कि अब रजिस्ट्री ऑफिस के काउंटर पर 1 से 1000 रुपए तक का नॉन जुडिशियल स्टाम्प भी लोगों को फ्रैंकिंग मशीन से प्रिंट होकर दिया जाएगा। इसकी शुरुआत संयुक्त रूप से जिला सहकारिता पदाधिकारी वीरेंद्र शर्मा व जिला सब रजिस्ट्रार मुकेश कुमार के द्वारा की गई है। इसकी शुरुआत होने से आम लोगों को काफी फायदा होगा। बता दें कि अभी 1000 से कम का स्टाम्प लेने के लिए रजिस्ट्री ऑफिस के स्टाम्प विक्रेताओं के यहाँ चक्कर लगाने पड़ते हैं और मनमाना राशि देनी पड़ती है, जिसके बाद ही स्टाम्प मिल पाता है। ऐसे में यह सुविधा लोगों के लिए काफी कारगर साबित हो सकती है। कोरोना जांच के मामले में बिहार टॉप पर। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा दिए गए निर्देश के बाद राज्य में लगातार कोरोना की जांच जारी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश में एक दिन में 1.5 लाख सैंपलों की जांच की जा रही है, जिसमें बिहार में ही सर्वाधिक 50,000 से अधिक सैंपल शामिल है, यानी कि कोरोना जांच में बिहार टॉप पर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य के सभी अस्पतालों और सेवाओं का मॉकड्रिल 27 दिसंबर को होना है। इस मॉकड्रिल में अस्पतालों में उपलब्ध ICU प्लांट, ICU बेड सहित चिकित्सक पैरामेडिक स्टाफ को भी शामिल किया जाएगा। अगले 1 साल तक मिलता रहेगा मुफ्त राशन, नए साल पर केंद्र सरकार का तोहफा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारत सरकार के द्वारा देश के 81.35 करोड़ लोगों को नए साल का तोहफा दिया गया है। दरअसल बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है कि देश के 81.35 करोड़ गरीबों को एक और साल तक मुफ्त में राशन बांटा जाएगा। इसे पूरा करने में सरकार के करीब 2 लाख रुपए खर्च होने की संभावना है। इस बात की जानकारी केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता कि फिलहाल इस कानून के तहत लाभ पाने वाले लोगों को अनाज के लिए 1 से 3 रुपए प्रति किलो का भुगतान करना पड़ता है। इसकी शुरुआत अप्रैल 2020 में कोरोना महामारी के दौरान गरीबों को देने के लिए की गई थी। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे उमका सूर्य मंदिर के बारे में। उमका सूर्य मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो बिहार के औरंगाबाद जिले के मदनपुर गांव में स्थित है। यह मंदिर एक सूर्य मंदिर है जो छठ पूजा के लिए भगवान सूर्य को समर्पित है। यह उमका सूर्य मंदिर पहाड़ियों पर स्थित है। औरंगाबाद बिहार में एक पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यता के अनुसार छठ पूजा के लिए महत्वपूर्ण मंदिरों में देव सूर्य मंदिर के बाद उमका मंदिर दूसरे नंबर पर है। जमीन से करीब 150 फीट ऊंचा पहाड़ी पर स्थित इस मंदिर का दर्शन करने का पर्यटक है। मंदिर पर्यटक एवं श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र है। 1496 ईस्वी पूर्व में इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। फ्लाइट कैंसिल होने पर यात्रियों को मिलेगा हर्जाना। फ्लाइट से सफर करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। DGCA अपने नागर विमानन आवश्यकता में संशोधन करने की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत अगर किसी यात्री के एयरलाइंस टिकट को उनकी मर्जी के बिना डाउनग्रेड कर दिया जाता है तो उन यात्रियों को एयरलाइंस की ओर से टिकट का कर समेत पूरा रिफंड वापस दिया जाएगा और साथ ही अगली उपलब्ध उड़ान में उस यात्री को मुफ्त यात्रा भी कराई जाएगी। इसके अलावा अगर यात्रियों की उड़ान रद्द कर दी जाती है तो यात्रियों को हर्जाना देने का भी प्रावधान DGCA के द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए नागर विमानन महानिदेशालय यानी DGCA के द्वारा जल्द ही नियम तैयार किया जाएगा। हालांकि ये सभी नियम हितधारकों के सलाह के बाद लागू किए जाएंगे। BSSC पेपर लीक पर बीजेपी का बड़ा बयान। BSSC यानी कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पेपर लीक मामले को लेकर बीजेपी का बड़ा बयान सामने आया है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने इस पूरे मामले के लिए बिहार सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि सिस्टम में लंबे समय से भ्रष्ट अधिकारी एक ही जगह बैठे हुए हैं और पेपर लीक जैसे मामलों में उन भ्रष्ट अधिकारियों की ही बड़ी भूमिका है। यह पेपर लीक मामला बेहद गंभीर है। सरकार को इस मामले पर CBI जांच करवानी चाहिए। उन्होंने कहा कि चाहे किसी भी पेपर लीक का मामला हो, हर जगह हस्तिनापुर के गुलाम बैठे हैं। जब तक सरकार इन भ्रष्ट अधिकारियों को नहीं हटाएगी तब तक इस तरह के मामले सामने आते रहेंगे, लेकिन सरकार सिर्फ मामले की लीपापोती करने का काम करेगी। कोरोना को लेकर भारत में फिर शुरू होगी पाबंदियां। स्वास्थ्य मंत्री ने दिया ये बड़ा बयान। दुनिया के कई देशों में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए भारत में भी चिंता बढ़ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए हमने सतर्कता बरतना शुरू कर दिया है। विमानन मंत्रालय से बात करके चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले लोगों का कोविड टेस्ट अनिवार्य करवा दिया जाएगा और साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग भी करवाई जाएगी। इसके साथ ही वैसे लोग जिन्हें भारत में आने के बाद बुखार होता है या कोविड टेस्ट पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनके क्वारंटीन करने के लिए भी हम आदेश जारी करेंगे। सोशल मीडिया इन
इन्फ्लुएंसर पर नकेल कसने के लिए सरकार जल्द पेश कर सकती है नए नियम। आमतौर पर सोशल मीडिया पर ऐसे इन्फ्लुएंसर मिल जाते हैं जो अलग अलग ब्रांड्स के लिए प्रमोशन करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे होते हैं जो पैसे लेकर प्रमोशन करते हैं। ऐसे इन्फ्लुएंसर पर नकेल कसने के लिए सरकार के द्वारा जल्द नए नियम पेश किए जा सकते हैं। इस नियम के तहत प्रॉक्सी ब्रांड प्रमोशन में शामिल होने वाले इन्फ्लुएंसर को 50 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। बता दें कि अन्य नियम के तहत अगर इन्फ्लुएंसर किसी प्रोडक्ट या ब्रांड का प्रमोशन करते हैं तो उन्हें डिस्क्लेमर लगाकर इसका खुलासा करना होगा और अपने फॉलोअर्स को इसके बारे में जानकारी देनी होगी। वहीं वैसे इन्फ्लुएंसर जिनके खिलाफ ऐसी शिकायतें मिलती हैं कि वे प्रॉक्सी पेड प्रमोशन करते हैं तो उनके ऊपर 50 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट में क्लीन स्वीप करने से 100 रन दूर भारत। भारत ने 145 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में तीसरे दिन शुक्रवार को यहां शुरू में ही टॉप ऑर्डर के 4 बड़े विकेट गंवा दिए, जिससे ये मैच रोमांच स्थिति में पहुंच गया है। बांग्लादेश ने अपनी दूसरी पारी में 231 रन बनाकर भारत के सामने 145 रन का लक्ष्य रखा। इस सीरीज में क्लीन स्वीप करके विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में महत्वपूर्ण अंक हासिल करने की कवायद में लगी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 45 रन बनाए थे। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। भरतपुर के महाराजा सूरजमल की 1763 में हत्या। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय 1771 में मराठाओं के संरक्षण में दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। स्वामी विवेकानंद ने 1892 में कन्याकुमारी में समुद्र के मध्य स्थित चट्टान पर 3 दिन तक साधना की। पहला अखिल भारतीय कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस 1924 में कानपुर में सम्पन्न हुआ। भारत के द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए चंद्रयान 1 के 11 में से एक पेलोडर्स ने 2008 में चंद्रमा की नई तस्वीर भेजी। महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद और एक बड़े समाज सुधारक मदन मोहन मालवीय का जन्म 1861 में हुआ। संस्कृत भाषा के प्रकांड पंडित गंगानाथ झा का जन्म 1872 में हुआ। भारत के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 1924 में हुआ। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का निधन 1972 में हुआ। आज ही के दिन पूरी दुनिया में क्रिसमस डे मनाया जाता है। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे वाहन दुर्घटना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे वाहन दुर्घटना के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि दावा किया जा रहा है कि अगर वाहन के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रमाण पत्र नहीं है तो दुर्घटना नहीं मानी जाएगी। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा फर्जी है। मोटर बीमा पॉलिसी के तहत दुर्घटना बीमा का दावा करने के लिए वैध पीयूसी प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य नहीं है। ट्विटर ने रोल आउट किया व्यू काउंट फीचर। हाल ही में ट्विटर ने अपने यूजर्स के लिए व्यू काउंट फीचर रोल आउट किया है। इससे आपको पता चलता है कि आपके ट्वीट को कितने लोग देख रहे हैं। एलन मस्क ने एक ट्वीट के जरिए फीचर के रोल आउट की पुष्टि की। एलन मस्क के ट्वीट के अनुसार ट्वीट्स के व्यू अकाउंट से यूजर यह देख सकेंगे कि एक ट्वीट को कितनी बार देखा गया है। वीडियो के लिए यह नया फीचर सामान्य है। ट्वीट्स को जो लोग देखेंगे उनकी संख्या सभी को दिखाई देगी। यह सुविधा वर्तमान में iOS और एंड्रॉइड ऐप्स पर उपलब्ध है। इसके अलावा यह वेब वर्जन पर भी उपलब्ध है। बता दें कि फिलहाल व्यू काउंट केवल नए ट्वीट्स पर दिखाई देंगे, पुराने नहीं। इतने दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कुश कुमार यादव, मोहम्मद सकीर हुसैन, मृत्युंजय कुमार, राज सुभाष, अंशु कुमार, विजेंद्र सिंह, रंजीत मिश्रा, पंकज कुमार दास, धर्मवीर कुमार, वीरेंद्र सिंह, प्रहलाद कुमार, धीरज कुमार, वंदिता दुबे, राजकिशोर सिंह। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके पसंदीदा अभिनेता कौन है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।